देखिए डोमेन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, आज एक्चुअल में हम लोग इन इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेन में इन इक्वेशन का यूज होता है, तो वही चीज बता रहे हैं आपको, इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी फॉर फॉर यूज ऑफ डोमेन। डोमेन के यूज के लिए इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और इसके साथ एक वर्ड आता है सॉल्यूशन सेट, वो भी बताएंगे अभी आपको, ठीक है। वही चीज अभी हम लोग को मेन डिस्कशन करना है, क्योंकि डोमेन में टोटल चार पार्ट होता है, मतलब चार डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में वो डिवाइडेड है। एक सेक्शन आपको पिछले क्लास में बताया गया था रेशनल फंक्शन, उसके अलावा आगे जो भी पार्ट पढ़ेंगे ना, सब में हम लोग को इनइक्वेशन इनइक्वालिटी का जरूरत पड़ेगा। तो पहले इसको समझना जरूरी है, तभी जाके आगे जब आप डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो आप उसका आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, बेसिक पार्ट है। देखिए बेसिक कहने का मतलब कभी ये मत समझिएगा ना कि वो काफी छोटा होता है, बेसिक का मतलब होता है कि वो दूसरे हायर कॉन्सेप्ट को बनाने में यूज में आएगा। तो ये चीज आपको फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा, और ये मैथमेटिक्स का तो खैर है ही, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, पॉइंट बाई पॉइंट बात कर रहे हैं। अगर कभी ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर इक्वल या फिर लेस इक्वल, ये चार में से कोई भी नोटेशन होगा, इसको कहते हैं हम लोग इन इक्वालिटी, इसका नाम होता है इन इक्वालिटी। आप पढ़े हुए हैं इक्वेशन, तो आप ये देखते हैं कि अगर x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिखा रहता है, तो आप बोलते हैं कि इक्वल टू से सेपरेटेड है, इक्वल टू से सेपरेटेड है, इसलिए इक्वेशन है, ठीक है। बस वही नोटेशन हम थोड़ा यहां पे चेंज कर रहे हैं, तो इक्वल टू के जगह अब क्या यूज आया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। इस चीज को बहुत बढ़िया से समझिएगा, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीनिंग नहीं समझे हम। देखिए ग्रेटर देन या इक्वल टू, इन दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाइड हो गया तो मेरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। कहने का मतलब आइदर वन मस्ट सेटिस्फाइड, कोई एक, कम से कम एक सेटिस्फाइड होना चाहिए। यानी कि अगर हम लिखे थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सही की गलत, आंसर दीजिए, सही है सर। किसके बेसिस पे, ग्रेटर देन के बेसिस पे कि इक्वल टू के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ग्रेटर देन के बेसिस पे। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंस थ्री इज ग्रेटर देन, थ्री इज ग्रेटर देन टू, ये टू से बड़ा होता है, इस कारण से स्टेटमेंट ट्रू है, मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, हम ये बोले कि फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, इक्वालिटी के कारण ये मेरा ट्रू हो गया। अब हम क्या बोले, फाइव इज ग्रेटर देन फाइव, ट्रू की फॉल्स, ये फॉल्स, क्योंकि फाइव और फाइव इक्वल टू है, तो अगर ग्रेटर के साथ इक्वल लगा है तो कोई दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड किया तो ट्रू, अगर ग्रेटर देन बोलेंगे तो कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता है, वैसे केस में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। शायद आप इसका मीनिंग समझ गए हो, चार चीज, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। दूसरा वर्ड इन इक्वेशन किसको कहते हैं, क्योंकि ये सब वर्ड आता रहेगा, इन इक्वेशन। तो इफ टर्म्स सेपरेटेड बाई, इफ टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इफ टर्म्स ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाई इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी को यूज करके किसी भी वेरिएबल्स के टर्म को सेपरेट किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड इन इक्वेशन, वैसे केस में इसको इन इक्वेशन कहते हैं, उसको इन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा मीनिंग समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। मान लीजिए जैसे मेरे पास लिखा है x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस वन, तो क्या हुआ कि ये जो टर्म है इसको बोलेंगे इन इक्वालिटी, इसको बोलेंगे इन इक्वालिटी, मगर ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें कि टर्म सेपरेट हुआ इनइक्वालिटी से, इसको बोलेंगे इन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड इन इक्वेशन, ठीक है, ये इन इक्वेशन कहलाएगा। तो आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कब इनइक्वालिटी बोलेंगे और कब इन इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो
इसके बेसिस पे अब थर्ड पार्ट जो होता है, थर्ड पार्ट उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। देखिए सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, इट इज इंटरवल ऑफ एक्स और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इन इक्वेशन गेट ट्रू। ठीक है, इन इक्वेशन क्या हो जाता है, वो ट्रू हो जाता है। मीनिंग भी समझे हम क्या लिखा हुआ है, इतना स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में क्या कर रहा है। देखिए अगर लिखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से एक्स बिलोंग्स टू, आपको पहले भी बताए थे अगर इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल टू से लेके इंफिनिटी। तो एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। तो ये कह रहा है मेरा सॉल्यूशन सेट। एक बार फिर से देखिएगा, अगर लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा चीज, ध्यान से वन को उधर भेज दिए क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट के जैसा नेचर रखता है और वेरिएबल वेरिएबल के साथ रहेगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन टू माइनस वन, तो एक्स इज ग्रेटर देन वन। अगर एक्स वन से बड़ा है तो देखिए क्या लिखेंगे, वन से बड़ा तो वन से लेके इंफिनिटी जाएगा, यहां पे इक्वल टू नहीं है इस कारण से यहां ओपन इंटरवल लगाएंगे, पिछले क्लास में सिखाई थी ये चीज। ठीक है, अब ये जो मिला ना वन से इंफिनिटी, इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन सेट, ये कहलाएगा मेरा सॉल्यूशन सेट। देख लीजिए बोर्ड पे जितना भी पार्ट है, कुछ डाउट है तो पूछा जाए, यही सब बेसिक पार्ट था। अब सीधा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप इसको, देखिए अभी उसी पे चल रहे हैं, अब पूरा काम मेरा होगा सॉल्यूशन सेट पे ही। ठीक है, देखिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा इनइक्वालिटीज को। हम लोग इनइक्वालिटी केवल एक ही वेरिएबल में पढ़ेंगे, मगर हो सकता है कि वो पावर वन कंटेन करे, टू कंटेन करे, थ्री कंटेन करे, पी बाई क्यू फॉर्म में हो, पी इंटू क्यू फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, मगर वेरिएबल एक ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के जैसा ही, मान लीजिए लिखा 2x plus 1 by 3 is greater than equal to 5x minus 1, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और बोला गया कि find solution set, हर एक क्वेश्चन में यही करेंगे हम लोग, सोल्यूशन सेट निकालते रहेंगे, हम डिस्क्राइब करके दे रहे हैं। जैसे आप काम करते थे इक्वल टू में, बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, 3 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मगर जब ये कॉन्स्टेंट रहेगा केवल तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो कब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक प्लेस इनइक्वालिटी में, इफ डिनोमिनेटर इज कॉन्स्टेंट और कंफर्म पॉजिटिव टर्म, अगर वो कंफर्म पॉजिटिव टर्म होता है या कॉन्स्टेंट होता है तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना हम लोग। ठीक है, तो मेनली हम लोग किस बात पे ध्यान रखेंगे, अगर कांस्टेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, किसके केस में, इनइक्वालिटीज के केस में। तो 3 गया उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये बना 2x plus 1 greater than equals to 15x minus 3। ठीक है, अब देखिए x का टर्म कांस्टेंट, तो क्या करना है कि एक साइड में वेरिएबल रहेगा और एक साइड में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, सजेस्ट कीजिएगा, 2x को उधर भेजना चाहिए कि 15x को लेफ्ट लाना चाहिए, आप बोलिए। 15x को लेफ्ट नहीं, ये देखिए, चलिए ठीक है, आप जो सोचे आप बोले, हम आपसे पूछे थे। ठीक है, मेरा काम है बताना, हम आपको थोड़ा एक सजेशन देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां तक हो सके पॉजिटिव लाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगर 15x लेफ्ट आ गया तो आपको लग रहा है ना माइनस 13 हो जाएगा, अगर 2x राइट चला गया, तो इधर प्लस 13 होगा, तो प्रेफरेंस वही। ठीक है, किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस गोज टू पॉजिटिव। ठीक है, प्लस साइन को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। 2x उधर भेजे, 3 को इधर लाए, तो 3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15x माइनस 2x, जहां दिक्कत होगा रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13x, आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, 4 ग्रेटर और इक्वल 13x,
अब देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं ना, इसको 180 डिग्री पे घुमा दीजिए, पूरे इनिक्वेशन को 180 डिग्री पे घुमा दीजिए। तो हम लिखे 13x, 13 के तरफ क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा, 4 के तरफ ओपन है ओपन ही रहेगा। बोलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एक ही जैसा है कि अलग अलग है? सेम है सर। सेम है, मगर पढ़ने का मेरा तरीका बदल जाएगा। सेम है एकदम डिक्टो, ठीक है सेम है, मगर क्या है पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा वो सुनिए, पढ़ेंगे 13x इज लेस और इक्वल टू 4। बस पढ़ने का तरीका बदल गया और कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, इस कारण से पहला नाम आया 13x का और यहां पे पहला नाम आया 4 का। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13x, आइडेंटिकल टर्म, 13x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अगर आप बोलते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2 है तो कोई पूछेगा 2 का क्या होगा, आप बोलिएगा ना 2 लेस देन 3 है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उससे क्या फायदा, बदल के क्या फायदा, देखिएगा इससे क्या होगा ना कि आप x को छोड़ दीजिए और 13 को नीचे भेज दीजिए 4/13, आपको ये टर्म मिला, आपको ये टर्म मिला। एक नंबर लाइन खींचिए एकदम डिस्क्राइब्ड वे में, दो चार क्वेश्चन एकदम डिस्क्राइब्ड वे में, बाद में शॉर्टकट किया जाए। नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जो नंबर दिखेगा उसको पुट कीजिए 4/13, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, जो नंबर दिखेगा बस उतना ही लिखना है। अब इक्वल टू है तो इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे, इक्वल टू लगा है इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे ना, तो हमेशा ऐसे पिछले क्लास में बताए थे सॉलिड सॉलिड देके चलेंगे। अब क्या बोला, एक्स 4/13 से छोटा है, एक्स 4/13 से छोटा है, तो छोटा है लेस है तो लेफ्ट की तरफ आएंगे। आपको ये बताया गया था कि अगर लेस होता है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे हम लोग, तो 4/13 से लेफ्ट है। अब मेरा आंसर जिसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, सॉल्यूशन सेट x belongs to, स्टार्ट करेंगे माइनस इंफिनिटी से, कहां तक जाएंगे 4/13 तक, माइनस इंफिनिटी से 4/13, कोई बताएगा 4/13 के साथ ओपन की क्लोज इंटरवल? क्लोज, क्योंकि इक्वल टू है, क्योंकि यहां सॉलिड है, इस कारण से 4/13 के साथ क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ये निकला मेरा सॉल्यूशन से, ठीक है, कौन से इनिक्वेशन का, इस इनिक्वेशन का, ठीक है। देखते चलिए और अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही लेना चाह रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3-x इज लेस देन 5+2x, ऐसा, ठीक है। आपको दो कॉन्स्टेंट दिखा, दो वेरिएबल दिखा, सजेस्ट कीजिए x जो है वो लेफ्ट से राइट जाएगा या 2x राइट से लेफ्ट आएगा? x राइट जाएगा। x अगर राइट जाएगा तो 5 को लेफ्ट आना होगा, तो 3-5 less than 2x + x ये लिखेंगे। ये सॉल्व करके कॉन्स्टेंट का प्लस माइनस मायने नहीं रखता है, मगर वेरिएबल का प्लस माइनस काफी मायने रखता है, आंसर चेंज कर सकता है। तो -2 less than यहां क्या लिखे 3x, अगर इसी स्टेटमेंट को घुमा के ऐसे लिख दें, किसी को कोई दिक्कत है? देख लीजिए कोई दिक्कत है, देखिए जब ऐसा पूछेंगे ना तो आपको क्या करना चाहिए वो भी समझा देते हैं, ठीक है। अभी आप 11 में आए हैं, पढ़ते हैं -2 less than 3x, पढ़ते हैं 3x > -2, सही है, दोनों सेम है कि नहीं? हाँ, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इन सब स्टेटमेंट में कुछ भी दिक्कत है आप जरूर पूछ ले हमसे, चलिए कुछ नहीं पूछा गया मतलब सब बढ़िया चल रहा है। डिवीजन में चला गया -2/3, अब लिखा है x > -2/3, एक सिंपल सा नंबर लाइन कहां से कहां तक चलेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, हाईलाइट करना है हमको -2/3 को, कोई बताएगा यहाँ हॉलो होगा या फिर सॉलिड होगा? हॉलो होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू नहीं है, इस कारण से ये पॉइंट हॉलो होगा। अब इससे x > तो ग्रेटर किधर जाना हमको, राइट साइड में, मेरा आंसर होगा जिसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं x belongs to -2/3 से लेके इंफिनिटी, कोई बताएगा ओपन की क्लोज? ओपन,
क्योंकि इक्वल टू बी, ठीक है, एकदम सही। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया, आप इसको नोट कर लें और आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। 2x माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। इसके लिए हमको चाहिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, आपको बताना है, खुद से बनाइए, इसको नोट कर लीजिए तब तक। हाँ हाँ ठीक है, 1/8 से इंफिनिटी, क्लोज 1/8 से इंफिनिटी, है ना, ठीक। किसी का जो नहीं बन पाया तो हम यहां बना रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं, हो गया होगा ना, बढ़िया, लिखते चलिए, बहुत बहुत जरूरी। आपको फंक्शन में जितना पढ़ाएंगे ना, एकदम आपके शायद फिजिक्स में वेक्टर चल रहा है ना, या वेक्टर खत्म हो गया, उसके बाद सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उसमें पूरा यूज आएगा इसका, ठीक है, देखते चलिएगा। जिसका नहीं बना हम आपको समझा रहे हैं, 2x-1/2 प्लस x+1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्या करना था, एलसीएम लेना था, सॉरी 0, एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6x-3, ये 2 यहां जाएगा, 2x+2, और डिवीजन में मेरे पास 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जाके भिड़ गया, 0 हो गया। फिर यहां पे 8x-3+2-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, नंबर लाइन लीजिए, कहां से चलेगा माइनस इंफिनिटी, कहां पहुंचेगा प्लस इंफिनिटी, बीच में कौन मिला 1/8, इंक्लूड की नहीं इंक्लूड, इक्वल टू है तो इंक्लूड कीजिए, क्या बोला x ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब राइट चल दीजिए, तो x बिलोंग्स टू इंक्लूड करके 1/8 से लेके इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन सेट, इज सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो देखिए कुछ काम का बात बता रहे हैं यहां पे, अभी जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन इक्वेशन से बेसिस, इन इक्वेशन से रिलेटेड देखिए क्या है, अगर कभी भी a ग्रेटर देन b है और a b दोनों पॉजिटिव है, a b दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो वैसे केस में देन माइनस a जो होगा वो लेस देन माइनस b होगा, अगर a ग्रेटर देन b है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वेशन चेंज होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेंजेस विथ मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस वन, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज करेगा। ध्यान देने वाला बात कहां पे है, तो ध्यान देने वाला बात आपका यहां पे है, ठीक है, ये चीज आपके काम का है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट इसी पे बात कर रहे हैं। हाँ, सेकंड नंबर मेरे पास ये है कि इफ वेरिएबल इज नेगेटिव इन प्रोडक्ट और डिवीजन देन मेक इट पॉजिटिव कहां पे, इन लीनियर फैक्टर्स में हम लोग को क्या करना है कि x कंटेन करने वाला जो भी टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना। मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपके पास गिवन है आपके क्वेश्चन में 2-x तो आप ऐसे सॉल्व ना करें, आप इसको कन्वर्ट करें कैसे कन्वर्ट करें, x-2 में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके आपका सॉल्वेबल होगा। अगर आपके क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन देने वाला देगा ही कि स्टूडेंट फंस जाए, तो देगा 2-x टाइप का। अगर इन इक्वेशन में आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो लीनियर फैक्टर है ना, ये कहलाता लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर में जब तक आप x के आगे पॉजिटिव नहीं लगाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इतना बनाने के बाद अब उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इक्वेशन Exactly behave like equation
ठीक है, इक्वेशन के जैसा ही काम करता है। जैसे इक्वेशन में किसी को लेफ्ट से राइट लेके गए तो उसका साइन चेंज होता है, एग्जैक्टली वैसे ही इन इक्वेशन में भी होता है, जैसा अभी आप देख रहे थे। ठीक है, जैसा अभी आप देख रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को काम करना है, बस वही बात बोला गया है यहाँ पे। और अभी आगे का पॉइंट है, देखते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, फोर्थ नंबर ठीक है, जो सॉल्यूशन सेट होगा, ऑब्टेंड सॉल्यूशन सेट मस्ट सेटिस्फाइड इनइक्वेशन, वो इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप आंसर निकाल लिया, आपको डाउटफुल लग रहा है, तो क्या करना, उसमें से कोई भी एक पॉइंट निकाल के अपने इन इक्वेशन में पुट करना है। देखिए ना, ये सब इन इक्वेशन कहलाता है, इसमें पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तब आपका आंसर सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, फिफ्थ नंबर है। ठीक है, एक छोटा सा चीज बता रहे, मॉड जानते हैं, मॉडुलस, ऐसे लिखते हैं ना, इसके अंदर माइनस टू रहता है तो ये प्लस टू हो जाता है, नहीं जानते? चलिए ठीक है, वैसे देखिए फंक्शन में हम आपको पूरा मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ाएंगे, मगर यहाँ इनइक्वेशन में थोड़ा काम है जो डोमेन में यूज में आएगा, तो इस कारण से शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट में, जब कभी भी मेरे पास ऐसा कोई मॉड एक्स दिया रहता है या मॉड टू है, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स। अंडर मॉड माइनस टू है, ये टू लिखा जा सकता है, अगर अंडर मॉड टू है इसको भी टू लिखेंगे। कहने का मतलब कि मॉड का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, एकदम सही बात, ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। अब देखिए इस चीज को थोड़ा समझिएगा, इनइक्वेशन कंटेनिंग मॉडुलस, बेसिक पार्ट में लेके चल रहे हैं, एक्सटेंडेड नहीं, बाकी पढ़ाएंगे हम आपको फंक्शन में। ठीक है, आगे देखिए, अगर लिखा है मॉड एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट आर, आप इसको तोड़ेंगे कैसे, ये मेरा ए नंबर का बात है, आप इसको तोड़ेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा कर लिए, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए एक प्लस और माइनस आर यहां पुट करना है, तो माइनस आर लेफ्ट में होगा और प्लस आर राइट में होगा। उसके बाद अगर ग्रेटर देन है तो बड़े वाले से राइट और छोटे नंबर से लेफ्ट की तरफ आना है, अगर ग्रेटर देन है तो बड़े वाले नंबर से राइट साइड जाएंगे और छोटे वाले नंबर से लेफ्ट साइड आएंगे। क्यों, कैसे, देखिएगा, ये दो इक्वेशन में टूटेगा, मतलब दो कंडीशन देगा। देखिएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस आर बट x लेस देन इक्वल्स टू माइनस आर, क्या हुआ, अभी तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। देखिएगा, अगर ये बोला गया कि ग्रेटर देन है तो प्लस के साथ साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस के साथ जो इनइक्वालिटी दिया है वही होगा। चेक कीजिए, प्लस के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा, मगर माइनस के साथ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, तो ग्रेटर हुआ करता था, मगर जब हम माइनस आर लिए वो किस में चेंज हो गया, लेस देन में। ये कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस के इनइक्वालिटी का, तो छोटे नंबर से छोटा और बड़े नंबर से बड़ा, ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to माइनस इन्फिनिटी से माइनस आर और यूनियन आर से लेके इन्फिनिटी, ये मेरा सोल्यूशन सेट होगा। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरे देखिएगा, अगर ये बोला गया कि mod x is less than equals to constant r, तो आपको क्या लगता है, x less than equals to plus r की माइनस आर, बोलिए सोच के, प्लस आर की माइनस आर, नहीं वो ठीक, चलिए ठीक मान लें प्लस माइनस, हम क्या पूछना चाह रहे थे ना, इसके बाद ऐसे लिखेंगे तो यहां प्लस आर की माइनस आर, और एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो प्लस आर की माइनस आर, इस जगह पे प्लस आर होगा और नहीं कंफ्यूज कर गया। देखिए
प्लस प्लस के साथ साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस के साथ इनइक्वालिटी वही रहेगा। तो यही इनइक्वालिटी यहां लगा है, यही इनइक्वालिटी लेस देन, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा प्लस आर। और क्योंकि देखिए लेस देन था बन गया ग्रेटर, लेस देन था बन गया ग्रेटर, तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया। और इनइक्वालिटी अगर चेंज कर गया तो ये माइनस आर लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से आप इसको देख लें, इसको और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इस पे बस एक मिनट का टाइम दे दीजिए इसको ध्यान से समझने में, कुछ डाउट है तो पूछ ले, फिर इसी पे अभी डिस्कशन करेंगे हमारा। नोट कर लीजिएगा इसको, पूरे बोर्ड में कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछ ले, अदरवाइज लास्ट का जो ए और बी है पांच नंबर का उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। मेन आपको इस पे फोकस डालना है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस r होता है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस r होता है तो वैसे केस में प्लस के साथ ग्रेटर लगेगा, माइनस के साथ लेस हो जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी माइनस के साथ चेंज करता है। वही बात हम इधर भी बोले थे, यहां माइनस के साथ इनइक्वालिटी चेंज करता है। दूसरा, इसमें अगर x लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस r है तो प्लस के साथ सेम इनइक्वालिटी लेस देन और माइनस के साथ इनइक्वालिटी चेंज होके ग्रेटर देन बन जाएगा, ठीक है, बस यही चीज। चलिए ठीक है, आ गया समझ में, आप इसको नोट भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। लास्ट कोई कुछ बोल रहा है सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। पहला पॉइंट ये वाला ये वाला हाँ ठीक है, हम अभी इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, यस सर, हाँ यही ना हम बनाएंगे, बता देते हैं, ठीक, सब पे अभी होगा, जितना पॉइंट लिखा है ना सब पे क्वेश्चन लेंगे, सब यूज में आएगा और हम आपको याद करवाएंगे कि देखिए अभी लिखे थे ऐसा। क्वेश्चन के लिए ही तो सब ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जाए कि इफ इफ 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाई 5, ऐसा, ठीक है, 3 माइनस एक्स बाई 5। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां प्लस है, सीखे थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालने क्या बोला, फाइंड सॉल्यूशन सेट, फाइंड सॉल्यूशन सेट ये निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना। हम 5 को ले गए मल्टीप्लाई किए, कितना बन गया 10 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस x रह गया। अब हम क्या किए ना कि इस माइनस x को इधर ले आए, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले माइनस x को हम इधर लेके आ गए तो 10 किधर जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तो वो माइनस x बन गया x और माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस 10। देखिए क्या बना, माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि हम इसको प्लस बनाएं, आपको याद होगा एक पॉइंट में लिखे थे कि x का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे, बाई माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ कि माइनस ऑफ माइनस 4x माइनस ऑफ माइनस 7, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके आगे एक माइनस लग गया, इसके आगे माइनस लग गया, तो होगा क्या, इनइक्वालिटी जो ग्रेटर हुआ करता था वो लेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो लेस इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 4x लेस इक्वल 7, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x लेस इक्वल 7/4, मेरा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, लेस है ना तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, अप टू 7/4, ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब एक छोटा सा चीज, मेरा आंसर खत्म, थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा है थोड़ा, मान लीजिए 3 ग्रेटर देन 2, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, लिखे माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 2, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, तो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अब ट्रू है,
अब ये ट्रू और ये भी ट्रू, मतलब हम क्या देखें, अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगा। उस कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में एक छोटा सा एग्जांपल नंबर के बेसिस पे, और यहाँ पे मेरे पास एक इनइक्वेशन बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे, नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे ही। ऐसा रहेगा क्वेश्चन, बनाना है उस नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे, समझने के लिए ये बात है। ठीक है, क्लियर हुआ? आप में से जो पूछे थे उस समय, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बढ़िया, समझ गए फाइनल। आगे बढ़ रहे, देखिए मॉड पे थोड़ा हमको डिस्कशन करना है। मॉड पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर मॉड एक्स माइनस थ्री, बहुत ध्यान से, अंडर मॉड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हम अभी क्या सीखे कि मॉड को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लगेगा, तो मेरा पहला स्टेप होगा, क्योंकि दिया है कि x माइनस थ्री का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस थ्री मॉड हटा के ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके बाद का काम ध्यान से, दो पार्ट में डिवाइड, x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू और दूसरा पार्ट x माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू, हाँ कि ना? प्लस साइन इनइक्वालिटी, वही इनइक्वालिटी चेंज हो गया माइनस साइन के साथ। अब इस पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव एक, और इस पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे x लेस देन इक्वल्स टू वन दो, दो पार्ट मिला हमको। मेरा काम क्या होगा, नंबर लाइन पे दोनों नंबर को दिखाना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएंगे, दोनों नंबर को दिखाना, कौन कौन नंबर, वन और फाइव, वन छोटा फाइव बड़ा, दोनों में इक्वल टू लगा है, दोनों इंक्लूड होगा, दोनों इंक्लूड होगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, x 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा होना चाहिए चलेगा इधर, ठीक है। दूसरा कह रहा है x 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए चलेगा इधर। अब आंसर लिखना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज वन तक, क्योंकि इक्वल टू लगा है, यूनियन क्लोज फाइव से, क्योंकि इक्वल टू लगा है, क्लोज फाइव से इन्फिनिटी। ये हुआ मेरा सॉल्यूशन सेट। अब एक सिंपल सा चीज, एकदम शॉर्ट में हम लोग आंसर लेके आएंगे, ठीक है, देखिएगा। चाहिए क्या, एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवन, ये लिखा। आंसर कैसे लिखेंगे देखिएगा, x belongs to, आप ध्यान रखिएगा greater than रहेगा तो माइनस इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों नंबर का डिफरेंस, ठीक है, माइनस सेवन प्लस फाइव, माइनस सेवन प्लस फाइव कितना होगा माइनस टू। उसके बाद यूनियन इन दोनों का सेवन, एडिशन इन दोनों का एडिशन, तो सेवन प्लस फाइव कितना होगा ट्वेल्व से लेके इंफिनिटी, नहीं समझे, ये लिखा सेवन माइनस सेवन प्लस फाइव, ये लिखा प्लस सेवन प्लस फाइव, ठीक है, माइनस सेवन प्लस फाइव और प्लस सेवन प्लस फाइव, मीनिंग मीनिंग ये दोनों नंबर आया कहां से, देखिएगा फाइव प्लस माइनस सेवन यहां से आया, फाइव प्लस माइनस सेवन, समझिए एक लाइन में दिया, एक लाइन में हम भी आंसर निकाले और टिक मारे आगे बढ़ गए, कोई इतना लंबा हमको बनाने का जरूरत नहीं। अगर कंपटीशन में रहेगा आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके को याद रखिए और उससे क्वेश्चन बनाइए, आपका टाइम बचेगा। स्कूल एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ गया, चांस बहुत कम होता है, मगर बाय द वे अगर आ गया तो आपको डिस्क्रिप्टिव वे भी तो दिया गया कि कैसे निकालना है, तो वैसे बनाइएगा सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट कीजिए। चलिए इतना सा एक जगह है मेरे पास, हम बस इसमें क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप आंसर दीजिएगा, अपने देना है। क्वेश्चन मेरे पास है अंडर मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, बोलिए एक्स बिलोंग्स टू, नहीं आया, फोर से इंफिनिटी। देखिएगा हम क्या बोले थे ना कि जो यहां का नंबर होता है उसमें इसको प्लस और माइनस करना है, जो यहां का नंबर होता है उसमें इसको प्लस और माइनस करना है, जो अंदर का नंबर था प्लस माइनस है, ठीक है, जो यहां का नंबर है उसमें थ्री को प्लस और माइनस करना है,
जो अंदर का नंबर है उसमें 3 को प्लस और माइनस करना है। तो देखिए 1 - 3 - 2 देगा और 1 + 3 = 4 प्रोवाइड करेगा। ये हुआ सॉल्यूशन से, ठीक है। चलिए इतना नोट करें आप, फिर आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन अभी डील करेंगे हम लोग इसी पे। बोलिए बोलिए सर, आप पहला वाला क्वेश्चन जो ऊपर में किए मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय नेगेटिव, सही आपका ये वाला? हाँ दोनों साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई किए तब साइन चेंज हुआ, और इसमें सर आप बस एक ही साइड पर माइनस वन से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया। देखिए इसमें मॉड लगाना, मॉड, ठीक है, इसमें मॉड लगा। सबसे पहले डिफरेंस समझिए फिर समझाते हुए, पहले इसमें मॉड लगा और यहाँ पे कोई मॉड नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, अगर मॉड एक्स है, हम इसको दो पार्ट में तोड़े, एक लिखे एक्स एक लिखे माइनस एक्स, तो इसका मतलब तो आप बोलिएगा कि सर नेगेटिव आंसर आएगा, हाँ कि ना? मगर वो आता नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना। अगर मॉड एक्स मेरे पास पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है चाहे एक्स हो या माइनस एक्स हो हमको इधर भी तो पॉजिटिव चाहिए, कहना तो यही चाहता है ना। जो भी मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखिए अगर मॉड एक्स मेरा पॉजिटिव है तो इधर साइड में हम चाहे कुछ भी लिखे वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंफर्म कीजिए, हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसके अंदर 2 रखेंगे, 2 तो वो पॉजिटिव होगा, सेटिस्फाइड। अगर वही 2 इसके अंदर रख दें तो क्या कभी सेटिस्फाई करेगा? No, sir. नहीं, तो क्या रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा? माइनस टू। तो एक्स खुद में नेगेटिव है, एक्स खुद में नेगेटिव है, उसको माइनस का जरूरत नहीं है। इस केस में एक्स खुद में नेगेटिव है, तो अगर वो खुद में नेगेटिव है तो यहां का जो नेगेटिव साइन है, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, वापस आइए, ठीक है। यहां का जो नेगेटिव साइन है वो हमको दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये खुद में नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हुआ करता था लाइक प्लस टू, ये नेगेटिव हो गया लाइक माइनस टू। तो ये नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड में नेगेटिव हुआ, इधर लगाएं और ये खुद में नेगेटिव है, इधर नेगेटिविटी लगाएं और ये खुद में नेगेटिव है, हो गया दोनों साइड का नेगेटिव, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो मॉड में हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो समझने के लिए था आपको, ठीक है। आपको उतना लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, बस आपको डाउट हुआ आप हमसे पूछे तो हम आपको वो समझा दें, ठीक है। आगे से हम लोग को मॉड के लिए बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, मॉड इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व होता है। चलिए ये नोट हो गया होगा, थोड़ा आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए अभी जो आपको ये वाला क्वेश्चन हम बताए ना, ये बताए और इधर, उसके लिए हम आपको एक डिक्लेरेशन दे देते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप आंसर जल्दी दे पाएंगे, शॉर्टकट में बना पाएंगे। देखिए क्या डिक्लेरेशन है उसी से रिलेटेड, कि इफ अंडर मॉड एक्स माइनस के दैट इज इक्वल्स टू पी, अगर ऐसा है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, अगर ऐसा है तो आप आंसर लिखेंगे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ध्यान से, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के माइनस पी और एक्स लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू के माइनस पी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा के प्लस पी, यानी आंसर क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से के माइनस पी क्लोज और यूनियन के प्लस पी से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। देखिए क्या हुआ, दोनों नंबर का एडिशन से इंफिनिटी और दोनों नंबर के डिफरेंस से माइनस इंफिनिटी, ये होता है। दूसरा चीज इसी में, अगर लिखा है अंडर मॉड एक्स माइनस के, ग्रेटर के जगह लेस देन इक्वल्स टू पी ले रहे हैं, तो वैसे केस में आप लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल्स टू के प्लस पी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के माइनस पी, ये लिख सकते हैं। तो के माइनस पी से के प्लस पी इसका आंसर होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज के माइनस पी से के प्लस पी तक आंसर होगा। चलिए ये दो चीज है बस, ग्रेटर लेस यही हो सकता है। क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, अंडर मॉड एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, आंसर बोलिए। सर माइनस थ्री से 5 गड़बड़ हो गया,
ग्रेटर था इसके जैसा होगा ग्रेटर में। बोलिए बोलिए। माइनस इनफिनिटी से गड़बड़ हो रहा है आपका। देखिए हम तो लिखते ही चलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ लें, ठीक है। ये कहां से आया सर? तो 3-p करके आया। किसके जैसा सर? तो k-p के जैसा। k-p 3- क्या किए थे? 5 किए थे। k-p, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया 3+5। किसके जैसा? k+p। देखिए k+p, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इसीलिए हम आपको फॉर्मूला बताए। बस आपको अब यूज करते चलना है, फिर से तैयार है एकदम दिग्दा के, ठीक है। कौन k है, कौन p है, वैसा। अगर लिखा अंडरमॉड x-1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 7, आंसर बोलिए किसमें देखेंगे? फर्स्ट में कि सेकंड में? किसमें देखेंगे? सेकंड वाला देखेंगे। माइनस टू से सेवन ऐसा ही कुछ देखिए। माइनस वन से सेवन चलिए माने। हाँ, k-p 1-7 -6 से लेके k+p 8 यहां तक जाएगा, -6 से लेके 8 जाएगा। चलिए ठीक है, देखते चलिए जिसका गलती हो रहा है, देखते चलिए। अगर मान ले रहे हैं जब आप सही दे सके बिल्कुल दे दीजिए। और आंसर बोलिए क्या होगा? -2 यूनियन आगे 6 टू इन्फिनिटी ये आएगा। एकदम सही ये क्या लिखा है ना, ये लिखा है 2-4 लाइक k-p, और ये लिखा है 2+4 k+p। ग्रेटर है फर्स्ट, लेस है सेकंड, बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। चलिए एक और क्वेश्चन भर लेते हैं आज बोर्ड इसी पे हम लोग, ठीक है। बस इतने में फिर खत्म करेंगे हम। 6 आंसर बोलिए। माइनस इंफिनिटी से माइनस सेवन से लेके इंफिनिटी, ठीक है। एक और अंडरमॉड क्या लिखा हुआ है? तो x+3 लिखा है, ध्यान से x+3 लिखा, अभी सब आप माइनस में बात किए, इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब आंसर देना है कि क्या होगा। आप इसमें टाइम ले सकते हैं ना, आराम से 15-20 सेकंड ले सकते हैं। देखिएगा प्लस, हम आपको ध्यान दिलवा दें, प्लस अभी तक जितना बात किए सब माइनस पे बात कर रहे थे, माइनस पे, मगर यहां दे दिए प्लस, तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले, चलिए ठीक है, एकदम ठीक हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। देखिएगा सबसे पहला चीज ये +3 है, तो जब तक हम इसको माइनस टाइप का नहीं देखेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा। आपको बता दे अगर यहां पे -2 लिखा रहता है तो हम बाहर निकालते हैं 2, ध्यान है यहां -2 लिखा रहता है तो हम बाहर निकालते हैं 2, यहां अगर +3 लिखा है तो बाहर कौन निकलेगा? -3। तो थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में k हो गया मेरा -3 और p कितना है? p मेरे पास है 2। अब आप बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट लगाइए, ग्रेटर दिया है ना, ये कॉन्सेप्ट लगाइए k+p और k-p वाला, ठीक है। -5 से -1 लेस ही दिया है ना, हाँ ठीक, तो लेस ही दिया, ये एकदम ठीक। तो क्लोज कितना आएगा मेरे पास? सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस -5 और उसके बाद दोनों का एडिशन, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -1। ये आएगा, ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, इतना हो गया, आप इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़े कॉन्सेप्ट पे। कोई डाउट किसी का तो पूछ लीजिएगा। हो गया, देखिए अब डिस्कस करेंगे ना p/q और p×q, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रेशनल फॉर्म में दिया है या फिर दो डिफरेंट वेरिएबल्स का टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तब कैसे हम लोग सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, ठीक है। डिस्कशन अपने पास है सॉल्यूशन सेट फॉर
रैशनल और रैशनल एक्सप्रेशन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया है तो सॉल्यूशन से कैसे निकालते हैं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दें हम। देखिए ये कौन से टाइप का होगा, ये होगा ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी टाइप का होगा, या फिर वन बाई सी एक्स प्लस डी प्लस प्लस ये ए बाई बी के फॉर्म का होगा, ठीक है ऐसा होगा। कॉन्स्टेंट और यहां पे नीचे वेरिएबल, नीचे वेरिएबल मीन्स रेशनल। तो कैसे सॉल्व करना है देखते चलिएगा। सबसे पहला चीज, अगर x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और हमको ये पता कि a जो है वो b से बड़ा, तो बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे रखें, इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे रखें, जो बड़ा होगा राइट साइड जो छोटा होगा लेफ्ट साइड, ठीक है ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल तीन बना, पिछले क्लास में डील किए थे तीन इंटरवल बना, तीन इंटरवल है राइट साइड को प्लस दीजिए, ये साइन कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन का मतलब मान्यता होता है, यही चला आ रहा है बिल्कुल वही काम करेंगे, प्लस माइनस प्लस। मैथमेटिक्स इसको कहता है वेवी कर्व मेथड, मैथमेटिक्स में इसका नाम है वेवी कर्व मेथड। आप इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब मेन यूज में आएगा ये वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि जितना भी इंटरवल है उसमें सबसे राइट को प्लस दीजिए, उसके बगल वाला माइनस, उसके बगल वाला प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा, यहां लिखा ग्रेटर इक्वल हमेशा न्यूमरेटर के साथ इक्वल टू होता है, डिनोमिनेटर के साथ इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। तो इक्वल टू किसके साथ, न्यूमरेटर, और इक्वल टू नहीं होता है किसके साथ, डिनोमिनेटर, ध्यान रखिए। तो जिसके साथ इक्वल टू है उसमें क्लोज, और जिसके साथ इक्वल टू नहीं है उसमें ओपन। डिनोमिनेटर के लिए हमेशा ओपन, न्यूमरेटर के लिए इक्वल टू लगा है तो क्लोज। आंसर क्या होगा, तो अब आंसर बताना है, ध्यान से समझिएगा। ये नंबर जीरो से बड़ा है, ये नंबर जीरो से बड़ा है, तो नंबर मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। जीरो से बड़ा है ना, क्या बोल रहा है ये एक्सप्रेशन, ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसका और इसका आंसर होगा, जिसमें जिसमें प्लस साइन है वो आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से b ओपन यूनियन क्लोज a से लेके इंफिनिटी तक, ये तरीका होगा। इसी बेसिस पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम यहां से ये दो पॉइंट निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू थ्री और माइनस वन बोलेंगे, थ्री और माइनस वन। चलिए एक एडिशनल बात और बता दें, जब भी आप इसका पॉइंट निकालिएगा इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है आगे कहीं काम आ सकता है, ठीक है तो बता दे रहे हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डाल दिए, लेफ्ट में कौन आएगा माइनस वन, राइट में कौन आएगा थ्री। सोच के बताइए थ्री इंक्लूड होगा कि माइनस वन इंक्लूड या एक्सक्लूड होगा, कौन सर? थ्री इंक्लूड होगा सर, ठीक है, और माइनस वन एक्सक्लूड, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ये एक्सक्लूड। जैसे एक्सक्लूड किए हम आंसर दे सकते हैं, नहीं अभी नहीं दे सकते, अभी तो प्लस माइनस डाले ही नहीं है, वे भी कर। अब उसके बाद प्लस वाला आंसर होगा कि माइनस वाला आंसर होगा, इसको देख के बताइए प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, क्योंकि कह रहा है ये नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव होगा, ठीक है पॉजिटिव होगा। अब हम आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन और क्लोज थ्री से लेके इंफिनिटी, थ्री से लेके इंफिनिटी। चलिए ठीक है, एक और इसी बेसिस पे, ठीक है एक और एग्जांपल देखिए अब क्या लिख रहे हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ऐसा, और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हर एक पार्ट को, ठीक है हर एक पार्ट को इक्वेट लिख रहे हैं यहां, ईच लीनियर फैक्टर टू जीरो, किससे, जीरो से इक्वेट कीजिए, तो क्या होगा, देन
x वैल्यू कॉल्ड, वैसे केस में x वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जैसा बताया हम आपको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। हर एक पार्ट को अगर जीरो करें तो यहां से x हमको मिला 1, माइनस 2 को जीरो किए x मिला हमको 2, नीचे वाला भी x माइनस 3 जीरो किए तो x मिला 3, माइनस 4 जीरो किए तो x इज इक्वल टू 4। ये जो भी x का वैल्यू मिला ये है कौन, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये सब का सब कौन है, क्रिटिकल पॉइंट है। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी को नंबर लाइन पे रखते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी को नंबर लाइन पे रखते हैं। तो लेफ्ट में 1, 2, 3, 4 चार पॉइंट है, पांच इंटरवल बनेगा, पिछले क्लास में इस पे डील हुआ था। सबसे राइट वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, ऐसा, ठीक है। अब सोच के बताइए, इसको देखिएगा तो सोचने में आसानी होगा, सोच के बताइए प्लस वाला आंसर कि माइनस वाला आंसर। नहीं पता चला, देखिए लिखा है कि एक नंबर है जो जीरो से बड़ा है, एक नंबर है जो जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक, समझे कैसे डिसाइड करना है, कुछ भी दिया रहे कितना भी बड़ा या छोटा हो कंपेयर करना है ऐसे कि ये एक नंबर है जो जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, लिखते चले हम इसको। कोई बताएगा इसमें कौन इंक्लूड कौन एक्सक्लूड, एक बार देख के अगर कोशिश कीजिएगा तो बता दीजिए। किसको छोड़ दें, एकदम ठीक, न्यूमरेटर इंक्लूड होगा और डिनोमिनेटर एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो 1 इंक्लूड, 2 इंक्लूड, 3 एक्सक्लूडेड क्योंकि डिनोमिनेटर में, और 4 भी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब आंसर लिखने में आसानी होगा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1, 1 पे क्लोज, यूनियन क्लोज 2 से ओपन 3, क्लोज 2 से ओपन 3, यूनियन ओपन 4 से इंफिनिटी, ओपन 4 से इंफिनिटी। ये हुआ मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से। आप तैयार रहे ना, 10 में आपको केवल लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया, आप यहाँ इन इक्वेशन देखें, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग सिलेबस में वैसे वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी होता जाएगा, और कंपटीशन नहीं देखता है, जेई नहीं देखता है कि क्वेश्चन लेंदी है या शॉर्ट है, जेई देखता है कि स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो आंसर दे सकता है। पहले ये पता तो क्या करें, कैसे क्रिटिकल निकालें, क्रिटिकल कैसे पुट करें, कौन इंक्लूड कौन एक्सक्लूड, साइन कन्वेंशन क्या होगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका, पांच स्टेप, पांच में से एक स्टेप में भी गलती, पूरा का पूरा रॉन्ग, क्योंकि वहां पे आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, वहां पे आपको दिया रहता है ऑप्शन, आपको टिक मारना है, अगर गलती से कोई भी गलत टिक मारे चार नंबर तो जाएगा ही जाएगा, एक नंबर लेके भी जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो आप इसको नोट करें, फिर आगे और बताएं क्वेश्चन हम। हो गया, हाँ वो चीज देखिए, अगर इक्वल टू लगा है ना तभी इंक्लूड या एक्सक्लूड का बात होगा, अगर इक्वल टू लगा है तो न्यूमरेटर से मिलने वाले पॉइंट को इंक्लूड करते हैं और डिनोमिनेटर से मिलने वाले पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं। ये न्यूमरेटर से मिला, ये न्यूमरेटर से मिला, ये डिनोमिनेटर से मिला, ये डिनोमिनेटर से मिला, तो हमको न्यूमरेटर से 1 मिला, न्यूमरेटर से 2 मिला, डिनोमिनेटर से 3 मिला, डिनोमिनेटर से 4। डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, और न्यूमरेटर तब इंक्लूड होगा, तब इंक्लूड होगा जब इक्वल टू लगा रहेगा तब। ठीक है, तो अगर इक्वल टू है तो न्यूमरेटर के पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, मींस 1, 2 को इंक्लूड किए, और अगर मेरा इक्वल टू है नहीं है कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर से पॉइंट मिला वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा वैल्यूज और तरीका बदल जाता है, और कुछ नहीं।
देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और डिवीजन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए इस बार इक्वल टू नहीं लगा, ठीक है। पहला काम क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक को लिनियरली फैक्टराइज करेंगे। कोई बताएगा किसमें टूटेगा? हाँ, प्लस टू और प्लस वन में, ठीक है। मिडिल स्प्लिट करके फैक्टर लिख दिए, नीचे वाला माइनस सिक्स और माइनस टू, देखिए माइनस सिक्स एक्स और माइनस टू एक्स, नहीं समझे? देखिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व होगा ना, ऐसे टूटेगा। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस सिक्स, माइनस टू कॉमन लेंगे एक्स माइनस सिक्स, तो लिखेंगे x माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। तो जब भी बोलेंगे ना कि माइनस सिक्स और माइनस टू में टूटेगा, बस इतने के बाद हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतने के बाद हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो नीचे क्या आया, x माइनस टू और x माइनस सिक्स, बिल्कुल अभी वाले क्वेश्चन के जैसा, मगर यहां ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो लगा हुआ है। आगे इसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है, तो x इज इक्वल्स टू, इसको जीरो किए तो क्या मिला, माइनस टू, इसको जीरो किए तो क्या मिला, माइनस वन, इसको जीरो किए तो टू, और ये x माइनस सिक्स जीरो हुआ तो क्या मिला, सिक्स। हम वो पार्ट नहीं लिखे कहां से मिला, हम एक बार चलिए लिख देते हैं, नहीं तो मान लेते हैं उसी के कारण गड़बड़ अगर किसी का हो गया तो दिक्कत। हर एक लीनियर फैक्टर को आप इक्वल टू जीरो कीजिए, हर एक लीनियर फैक्टर को आप इक्वल टू जीरो कीजिए, और उससे जो भी आपको एक्स का वैल्यू मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद आप नंबर लाइन पे इसको रख दें, तो नंबर लाइन पे रखने का तरीका हमेशा यही रहता है, लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा, तो सबसे छोटा माइनस टू, उससे बड़ा माइनस वन, फिर टू होगा, फिर सिक्स होगा, ठीक है। अब आप इसको देख के बताइए कौन इंक्लूड कौन एक्सक्लूड। ठीक है, आप कंफ्यूज कर गए, चलिए बढ़िया, आप जितना सीखे थे आप उसके बेसिस पे ठीक बोले, मगर हम आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान दिलवाए थे कि यहां इक्वल टू नहीं लिए, अगर इक्वल टू नहीं लिए तो न्यूमरेटर भी इंक्लूड नहीं होगा, डिनोमिनेटर तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता है। अगर यहां इक्वल टू नहीं लगा है, ध्यान है आपको इससे पहले का क्वेश्चन ऐसा हुआ करता था, हाँ कि ना, आंसर देते चलिए, देखे थे ऐसा, ठीक है। मगर अभी में हम ये बोले, तो अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो चाहे कहीं का पॉइंट हो वो कभी इंक्लूड नहीं होगा, अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो कहीं का पॉइंट हो चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं होगा, तो यहां पे मेरा सब का सब एक्सक्लूडेड। अभी लास्ट में यही स्टेटमेंट लिखे थे ना हम, ठीक है, सब का सब एक्सक्लूडेड। राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब बोलिए इसको देख लीजिए आप, प्लस आंसर होगा कि माइनस आंसर होगा, प्लस। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, जो भी क्वांटिटी जीरो से बड़ा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इंटरवल मेरा आंसर होगा। कैसे लिखेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू ओपन, यूनियन माइनस वन ओपन से टू ओपन, यूनियन सिक्स ओपन से इंफिनिटी, सिक्स ओपन से इंफिनिटी, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन से, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, यहां लिखे हम सेवन एक्स प्लस सिक्स, और डिवीजन में मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इसके साथ में है माइनस थ्री, ठीक है। माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये चीज। इसका सॉल्यूशन सेट निकालिए, आंसर बताइएगा बस जितनी तेजी से हो सके। माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स, क्लोज की ओपन, ये क्लोज, यूनियन माइनस सिक्स टू माइनस वन,
माइनस सिक्स टू माइनस वन, अच्छा मतलब एक आंसर मिला माइनस वन टू वन होना चाहिए था, ठीक है दोनों क्लोज होगा, वन ओपन होगा यूनियन, और ये यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, थ्री से इन्फिनिटी, ठीक ठीक है, ये हमको लग तो रहा है कि बहुत सही आंसर है, ठीक है। देखिए जिसका अगर नहीं बनाना आप डिस्क्रिप्टिव वे समझ रहे हैं, बस काम का चीज हम आपको बताते हैं, ये टूटेगा सिक्स और वन में, ये टूटेगा काम का इतना ही चीज, ये टूटेगा माइनस थ्री और वन में, ठीक है बस इसको देखिए, उसके बेसिस पे आप क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू अगर सिक्स में टूटा तो आप माइनस सिक्स, अगर वन में टूटा तो माइनस वन, अगर माइनस थ्री में टूटा है तो थ्री, और अगर प्लस वन में टूटा है तो माइनस वन, तो वो तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बस मेरा तीन ही क्रिटिकल होगा, तीन ही क्रिटिकल होगा, तीन ही हो रहा था, ठीक है इतना होगा मेरे पास। अच्छा अगला अगला देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास क्या करना था कि नंबर लाइन पे इसको पुट करना था, कहीं भी दिक्कत हो आप उनको रोक के पूछ लीजिएगा, सर हमको नहीं आया, सबसे छोटा माइनस सिक्स, उससे बड़ा माइनस वन, सबसे बड़ा थ्री, अब देखना है कि न्यूमरेटर में कौन आया, तो माइनस सिक्स और वन आया, तो माइनस सिक्स इंक्लूड, मगर क्योंकि ये माइनस वन नीचे भी है और ऊपर में भी है, इस कारण से आप इसको एक्सक्लूड करके रखेंगे, और यहां पे फाइनली मेरे पास क्या मिला थ्री, ठीक है आंसर क्या होगा, तो हमको दिखा प्लस माइनस ऐसा, ठीक है प्लस माइनस, हम आंसर लिखने चले तो उसमें दिखा कि ग्रेटर देन जीरो, तो हम बोले कि पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा, तो हमको क्या आंसर मिलेगा, हमको मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस सिक्स से ओपन माइनस वन यूनियन क्लोज थ्री से लेके इंफिनिटी, ऐसा ठीक है ये चीज। और दिखाएं, अभी एक और चीज हमको दिखाना बाकी रह गया था, देखिएगा न्यूमरेटर को अगर हम मेरा अल्टरनेटिव तरीका, ठीक है मेरा अल्टरनेटिव तरीका देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा, आप इसको फैक्टराइज करेंगे उतना तो काम सबको ही कर लिया होगा, जहां तक उम्मीद है प्लस सिक्स में टूटेगा प्लस वन में टूटेगा, डिनोमिनेटर मेरा आ जाएगा थ्री में टूटेगा और प्लस वन में टूटेगा, तो कोई हमसे ये भी पूछ सकता था कि तब तो सर इसको काट दीजिए, नहीं अरे x प्लस वन ऊपर नीचे नहीं काट देंगे, ठीक है कट गया, अब कटने के बाद ये बन क्या गया x प्लस सिक्स बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मेरे पास क्रिटिकल बोल के दो ही मिला, क्रिटिकल पॉइंट बोल के हमको दो ही मिला, कौन कौन माइनस सिक्स और प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स और प्लस थ्री, हम क्या किए नंबर लाइन पे इन दोनों को पुट कर दिए, ठीक है तो माइनस सिक्स मेरा लेफ्ट में रह गया और प्लस थ्री जो था वो राइट साइड में चला गया, हम देखें न्यूमरेटर इंक्लूड क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो ये इंक्लूड, और डिनोमिनेटर एक्सक्लूड होगा तो थ्री मेरा एक्सक्लूड, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस का, तो उसके बाद ग्रेटर देन देख के आंसर क्या पता चला, ये वाला और ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस सिक्स और यूनियन थ्री से लेके इंफिनिटी, अच्छा सिक्स जो है वो क्लोज होगा, देखिए अब कोई बता दे एक आंसर ये एक आंसर ये दोनों में से कौन मेरा करेक्ट है, जबकि आप स्टेप चेक कर ले, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो हमसे बोल दें कि सर ऐसा नहीं है वैसा होना चाहिए था, कुछ भी हम आपसे पूछ रहे हैं, मगर ध्यान से देखिएगा आंसर दोनों का अलग अलग है, अब हमको डिसाइड करना है कौन सही कौन गलत, क्या डिसाइड कर पा रहे हैं कोई भी, सर दोनों सही है सर, अच्छा दोनों सही, तो हम लोग के पास कोई एक ही आंसर देना रहेगा ना, दोनों सही है, मान लीजिए जैसे नहीं स्टेप जैसे देखे उसके हिसाब से तो आपको दोनों सही लग रहा है, मगर दोनों में से कोई एक होगा, देखिए चेक करने का तरीका बताते हैं, सुनिएगा अच्छा ठीक देखते हैं, माइनस सिक्स से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है माइनस सिक्स से माइनस इन्फिनिटी कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, माइनस सेवन, अब माइनस सेवन आप यहां पुट कीजिए, ठीक है माइनस सेवन पुट करके 49 और माइनस 49 जीरो सिक्स आ गया,
माइनस सेवन पुट कीजिए, 49 प्लस 14 माइनस 3, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेटिस्फाई हुआ, इसमें सेटिस्फाइड हुआ। अगर इसमें सेटिस्फाइड हो गया तो फिर उसके बाद माइनस 6 से कम में भी तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। नहीं समझे आप मेरी बात को? हम क्या बोले, एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 ले लीजिए, तो माइनस 7 लेंगे तो क्या माइनस 7 इसमें होगा, हाँ कि ना बोलिए? अरे नहीं होगा, माइनस 7 इधर ना होता है, हम आंसर में तो लेके चले कि माइनस 6 से बड़ा, तो माइनस 7 तो लिए ही नहीं। अगर माइनस 7 इसको सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये सही हो जाएगा, और अगर माइनस 7 इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपको यही काम करना होता है। जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई दो डिफरेंट आंसर हो और लगे कि दोनों सही, तो कभी भी दो आंसर सही नहीं होता है, एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है। ठीक है, तो दोनों में से कौन करेक्ट है अब चेक करना पड़ेगा। याद है आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट लिखवाए थे कि सॉल्यूशन सेट उसी को कहते हैं जो एक्स वैल्यू मेरे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब जो इसको ट्रू बनाएगा वो मेरा आंसर होगा, जो इसको ट्रू बनाएगा वो मेरा आंसर होगा। हम एक नंबर चुने माइनस 7, अगर माइनस 7 सेटिस्फाई किया सेकंड सही, अगर नहीं सेटिस्फाइड किया फर्स्ट सही। ठीक है, बस चेक करते हैं फिर से एक बार, माइनस 7 पुट किए, 49 माइनस 49 जीरो, प्लस 6 मीन्स पॉजिटिव, 49 प्लस 14 हो जाएगा और माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो फर्स्ट करेक्ट होगा कि सेकंड करेक्ट होगा? सेकंड करेक्ट होगा, कौन करेक्ट होगा? सेकंड करेक्ट होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरे पास करेक्ट आंसर है। आपको पता चला इसमें रॉन्ग क्या था? किसी को पता चला इसमें रॉन्ग क्या था? नहीं, हाँ ये हम लोग इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि माइनस 1 जो कि कैंसल होगा, जिसका कोई इफेक्ट इन इक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा, उसको बीच में लाके खड़ा कर दिए, बस यही गलती हुआ है इसमें। ठीक है, ये मेरे पास रॉन्ग है और हम दोनों को रहने देंगे, और आप दोनों जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि आपको पता चले कि क्यों रॉन्ग हुआ और कैसे राइट होता है। ठीक है, इसलिए आपको दोनों बताया गया। चलिए अब इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हटाए फिर एक दो क्वेश्चन और देख ले, हो गया देख लीजिए, कुछ भी पूछना है आप आराम से पूछ ले। सर वहां पे ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल एकदम आप ठीक पूछे, पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हो गया तो इसमें आप नहीं बता सकते, अब इसके बाद वाला बता रहे हैं। ठीक है, हटा दें हम इसको, चलिए ठीक आप हाँ बोलिए। देखिए अभी जो हमसे सवाल पूछा गया ना, एकदम वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप क्वाड्रेटिक में ये पढ़े हैं। देखिए मानिए क्वाड्रेटिक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक एक है तो ध्यान से टर्म्स को देखते चलिएगा। अगर कभी भी ए ग्रेटर देन जीरो, ए मतलब कौन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता है, और डी समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट, लेस देन जीरो हो जाए, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है। पढ़े है ना क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 प्लस, हाँ हाँ हमको भूल गए। तो देखिए क्या बोले, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, वैसे केस में क्या होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक्स का वैल्यू रख दीजिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव, कब, जब a ग्रेटर देन जीरो, d लेस देन जीरो। ठीक, दूसरा चीज अगर a लेस देन जीरो हो जाए और d भी लेस देन जीरो हो जाए, अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, वैसे केस में
जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, इज नेगेटिव लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल ईच एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसका यूज कहां होगा, देखिए अगर दिया है फाइंड सोल्यूशन सेट, फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और डिवीजन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा इसका चाहिए हमको सोल्यूशन सेट। हम न्यूमरेटर को देखें, ठीक है, न्यूमरेटर एक क्वाड्रेटिक दिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके बारे में पता लगाएं ए कितना वन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, डी कितना दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस थ्री आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो क्या मिला, ए पॉजिटिव मिला और डी नेगेटिव मिला, न्यूमरेटर का ए पॉजिटिव मिला और डी नेगेटिव मिला, इसका मतलब आप बोलेंगे दिस पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इन इक्वेशन न्यूमरेटर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसका मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, देखते चलिएगा, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो आप पूछ लें, अब बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। देखिए अगर न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव है तो बहुत ध्यान से, न्यूमरेटर पता चला पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का पता नहीं, और कह रहा है कि ये नंबर जो है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव में नीचे कौन सा साइन डालें जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, बोलिए क्या होना चाहिए, नहीं पता, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे जब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कीजिएगा तब ना पॉजिटिव मिलेगा, जब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कीजिएगा तब ना पॉजिटिव मिलेगा, लिखा हुआ छोड़ दे रहे हैं अगर आप भूल गए होंगे तो। अगर बाई दे नेगेटिव बाई नेगेटिव होता है तो हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, ठीक, सेम साइन पॉजिटिव देगा, अपोजिट साइन अगर हो गया एक प्लस एक माइनस तो ये नेगेटिव देगा, अगर अपोजिट साइन हो गया एक माइनस और एक प्लस तो ये हमको माइनस देगा, अपोजिट साइन पी और क्यू में नेगेटिव, सेम साइन पी और क्यू में पॉजिटिव। तो अभी अभी हमको क्या पता चला कि न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव है, हम मेंशन करें फिर से, सिंस न्यूमरेटर इज पॉजिटिव यानी न्यूमरेटर मेरा ग्रेटर देन जीरो है, देन देन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। बोलिए समझे इस बात को, ऊपर वाला पॉजिटिव निकला, नीचे वाला जब पॉजिटिव होगा तब जाके p बाई क्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहां से पकड़ लिए, ठीक, डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब आप इसको ले लें एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तोड़ दीजिए इसको तो किसमें टूटेगा, थ्री और फोर में, प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन जीरो। आप इसका अगर लीनियर फैक्टर्स लीजिएगा तो ये मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू थ्री और फोर जैसे बताए थे पी बाई क्यू में, ये पी इंटू क्यू है, नंबर लाइन पे इसको पुट कीजिए, लेफ्ट में आएगा थ्री और राइट में जाएगा फोर, साइन प्लस माइनस प्लस का चलेगा। अब कह रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से थ्री, ओपन 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 ओपन, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, और यूनियन फोर से लेके इंफिनिटी। तो अब आप समझे अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाया तो वैसे केस में हम लोग को बस दो ही चीज मिल सकता है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसके अलावे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये लगा दिए। अगर मेरे पास न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मेरे पास न्यूमरेटर नेगेटिव है तो ग्रेटर देन जीरो के लिए डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, वो चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, बस यही चीज हम लोग को लेके चलना है, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। सर वो स्टार्टिंग में दो पॉइंट ये वाला वो
ये वाला। यस सर। अच्छा देखिए इसमें क्या है ना कि ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक के लिए डिक्लेरेशन है, आगे चल के जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो हम आपको ग्राफ से बताएंगे। अभी हम देखिए ग्राफ बना के कोई फायदा है नहीं विशेष, मगर फिर भी हम आपको एक चीज बता दें क्वाड्रेटिक में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बेसिस पे हम वो चीज समझाएंगे थोड़ा। देखिए अगर a ग्रेटर देन जीरो होता है तो तीन केस होता है, तीन केस। ये हुआ d लेस देन जीरो, ये हुआ d ग्रेटर देन जीरो, और ये हुआ d इक्वल टू जीरो, मीनिंग नो रियल रूट। देखिए टच नहीं कर रहा, नो रियल रूट। यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, टू डिफरेंट रूट्स। यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, आइडेंटिकल रूट। इसके लिए d इक्वल टू जीरो है, इसका d लेस देन जीरो है, और इसका d, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तीन केस केवल इसी का बना। जब कभी भी d लेस देन जीरो होगा और a ग्रेटर देन जीरो, आप देख रहे हैं x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इससे ऊपर है। अगर x एक्सिस से ऊपर है, उस बात को समझिएगा, अगर कभी भी x एक्सिस से ऊपर का वैल्यू लेंगे तो y मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। इसीलिए अगर d लेस देन जीरो है तो कोई रूट नहीं देगा, कट नहीं करेगा, और रहेगा किधर साइड में? ऊपर साइड में, ऊपर साइड में। तो अगर ऊपर साइड में एग्जिस्ट करेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, बस उसी जगह से ये आता है। और क्वाड्रेटिक में आपको पूरा ये जो क्वाड्रेटिक ऐसे लिखा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसका इस तरीके का ग्राफ कैसे बनेगा वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके स्कूल सिलेबस में इतना सा है, एकदम कम, बहुत कम, मगर कंपटीशन में वो इतना बड़ा है। पढ़ने में ना चार से पांच क्लास लगेगा, मगर आपका स्कूल वाला जितना पार्ट दिया है, स्कूल लेवल में जितना आता है क्वाड्रेटिक, एक क्लास में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अभी आप हमसे ये जो सवाल पूछे थे उसलिए हम आपको ऐसे ग्राफ दिखाए थे, ठीक है। अब यू टाइप क्यू बनता है, ऊपर की तरफ क्यू होगा, वो सारा चीज हम आपको क्वाड्रेटिक में समझाएंगे। अभी के लिए फंक्शन में थोड़ा यूज है तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि अगर कभी क्वाड्रेटिक होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सेम वही चीज इसके लिए, ठीक है। बोलिए बोलिए। देखिए न्यूमरेटर का तो फैक्टराइजेशन हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो आप पढ़े होंगे नो रियल रूट्स या नो रूट्स पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसका तो रूट निकलेगा ही नहीं। अगर इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो फिर न्यूमरेटर में से कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। इसलिए न्यूमरेटर पे एक कॉन्सेप्ट चलेगा कि न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव हुआ तो डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि p बाई क्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो केवल डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। वही चीज यहां वाला चीज यहां लिखा है, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है इसलिए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हुआ, फैक्टराइज करके आंसर निकाल लिए, उसमें न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, हो गया होगा, हटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता दें ऐसा। yes, sir, yes. हाँ, फंक्शन आपको पूरा मैथमेटिक्स सिखा देगा। आगे चल के बोला जाएगा देखो फंक्शन में ऐसे पढ़े थे, इस तरीके से होता था, मेन वही चीज। और आप भी जितना ज्यादा हो सके क्रॉस क्वेश्चन, ढंग का क्रॉस क्वेश्चन आप जितना कर सके बढ़िया, ठीक है। फालतू का मत पूछिएगा इधर उधर का, है ना। देखिए अगर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस थ्री एक्स और प्लस फोर, डिवीजन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और प्लस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले बताइए न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? डी निकालेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट। बोलिए, हम तब तक लिख रहे हैं।
नहीं होगा। तो आप इसका डी अगर निकाले ना तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9 और माइनस 4ac वो कितना हो गया 16, दैट इज -7 यानी डी लेस देन 0 तो फैक्टराइज नहीं होगा। दूसरा बात, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 है और 1 होना मतलब ग्रेटर देन 0। तो डी लेस देन 0 क्या मिला हमको न्यूमरेटर के लिए, न्यूमरेटर के लिए ए हमको मिला ग्रेटर देन 0 और डी हमको मिला लेस देन 0। ये क्या बताता है कि न्यूमरेटर यानी क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव हो गया। डिनोमिनेटर होगा कि नहीं होगा फैक्टराइज, डी निकालिए डी। डी निकालिए डी। नहीं मिला। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 1 आएगा, 1 आना मतलब पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव हुआ देन फैक्टराइज, तब फैक्टराइज होगा। समझे कैसे डिसाइड करते हैं, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए फैक्टराइज होगा, डी अगर लेस देन 0 हो जाए फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होगा। अब इसी में अगर हम फैक्टराइज करें ना तो डायरेक्ट लिखना चाहेंगे प्लस 3 और प्लस 2 में टूटेगा, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 आप चेक कर ले, इसको मल्टीप्लाई करके सोच लीजिए इतना होगा, हम आपको सिखा चुके हैं 5 है तो 3 और 2 में टूटेगा, तो लिख दिए 3 और 2 ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। अब क्या करना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को लिख रहा है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। हमको ये पता कि न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव बाय डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल टू 0। बोलिए डिनोमिनेटर का क्या साइन होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होना चाहिए, एकदम ठीक। जब ऊपर नीचे का साइन डिफरेंट होगा, लेस देन 0 मतलब क्या होता है नेगेटिव, लेस देन 0 मींस नेगेटिव, तो जब ऊपर नीचे का साइन अपोजिट होगा तब जाके वो लेस देन 0, ऊपर वाला बोला हम पॉजिटिव तो नीचे वाला बोलेगा हम क्या है नेगेटिव। नहीं समझे, डिनोमिनेटर लेस देन 0 बोलिए हाँ कि ना, समझे कि नहीं, नहीं समझे तो नहीं समझे तो भी बोलना है, समझ गए तो भी बोलना है कि हाँ ना ऐसा कुछ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ना, हम इसमें कुछ बना के नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको बस समझा ही सकते हैं, तो जितनी बार हो सके हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी नहीं आएगा तो आप हमसे जरूर पूछ लें। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नेगेटिव। अब मेरे डिनोमिनेटर में है कौन, मेरे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0, हम इसको तोड़ चुके हैं यहाँ पे पहले से, तो x प्लस 3 एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट बोल के हमको x क्या मिलेगा -3 और -2, नंबर लाइन पे इसको रख दिया, छोटा कौन -3 बड़ा कौन -2, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर का पॉइंट है इसलिए कोई इंक्लूड नहीं होगा, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर लेस देन 0 यहां लेस लगा, लेस देन 0 नेगेटिव आंसर की पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर, यानी ये होगा, तो x बिलोंग्स टू ओपन -3 से -2 इज द सॉल्यूशन सेट। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा सा, ठीक है, मगर ये है कितना छोटा सा आंसर, केवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और ये ऐसा नहीं है कि आज हम इसको पढ़ा के खत्म कर देंगे, अगले क्लास में दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये नहीं आएगा, ये आता रहेगा, फंक्शन भी ये बार बार रिपीट होता रहेगा, जो भी आज पढ़े है ना ये मैथमेटिक्स में जब तक आपका अलजेब्रा चलेगा तब तक ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, देख लीजिए कुछ डाउट है तो पूछा जाए, नहीं तो आप इसको नोट कर ले। हो गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए घर पे, है ना, खुद से कोशिश कीजिएगा, इसको खुद से कॉपी में लिख लीजिएगा और समझाएं, अभी अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बना तो फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि हाँ क्या नोट किए, समझे, ये काम कीजिएगा उससे प्रैक्टिस होता है। चलिए ठीक है, आज यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, फिर से डोमेन में इंटर करेंगे, फंक्शन का ही पार्ट है, अलग नहीं है, फंक्शन में ही डोमेन कैलकुलेशन में यूज होगा,
तो नेक्स्ट क्लास से इसका एप्लीकेशन और देखेंगे डोमेन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।